हेलो दोस्त, आज है 16/6/2022। 17/6/22 को सारा पेपर ख़त्म हो जाएगा। लेवल 3 का केवल अब बचा हुआ है CBT 2 के टर्म में। कुछ लोगों का कमेंट था कि NTPC CBT 2 के बाद अब क्या कटअप होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड कटअप का टाइपिंग स्किल टेस्ट, साइको टेस्ट और फाइनल DB के लिए एक बार बता दीजिए। तो देखिए, ये इतने सारे टॉपिक है, अगर सभी को एक ही सारा RRB को एक बार लाया ना तो सब सही नहीं रहेगा, बहुत सारी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने कोशिश किया है RRB इलाहाबाद का अभी शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा खासा वैकेंसी भी है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, अच्छा खासा वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में हमें 3-4 चीज़ें मिल गई है। एक तो हमें वैकेंसी टेबल पता है लगभग क्या है, एक आध पोस्ट जो बाद में बदलाव हुआ है उसको हम छोड़ देंगे, हम पूरा नोटिफिकेशन वाला बात कर रहे हैं। दूसरा, हमें एक कटअप भी मिल गया है ओरिजिनल CBAT का, जिसको बोल सकते हैं सी, और पिछले साल का हमें कटअप मिल गया है फाइनल DB का, ये भी हमें मिल गया है। और हमने एक एक्सपेक्टेड कटअप भी बनाया था, वो भी वीडियो हमारे पास और उसका डिटेल है। तो इन सारे चीज़ों का हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं, जो आपका पेपर का फीडबैक है, जो पेपर का फीडबैक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल आपने देख लिया, नॉर्मलाइजेशन ख़त्म हो गया, ये सबको पता है, तो सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई है, यानी प्लेटफॉर्म ओपन है। हालांकि जब मैं आपको डिटेल बनाया था आपके साथ, जो हम यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें रेलवे लाइफ LP में हमने जो आपको शुरू में जब कार्ड अपना कटअप बताया था तो मजाक भी उड़ी थी कि ऐसा कटअप नहीं जाएगा, हम तो मेघावी छात्र हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट से गलती होती है, लेकिन इसके साथ स्टूडेंट के पीछे कौन होता है, कोई ना कोई सपोर्ट करता है। हो सकता है हम कर रहे हों, या हमारे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो कर रहे हो, कुछ लोग सही डायरेक्शन भी देते हैं, कुछ गलत भी देते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो चलिए यहाँ पे इन सारे चीज़ों को देख के सबसे पहले CBAT की बात कर लेंगे। तो CBAT किससे किससे इलाहाबाद में है, केवल स्टेशन मास्टर के लिए। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बार बता दूँ CBAT किस में है, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो केवल स्टेशन मास्टर के लिए CBAT है। ये कटअप आपके किसके लिए है, तो साइको के लिए गया था, वो कटअप है, यहाँ से आप देख लीजिएगा डायरेक्ट। इसमें मैं दो जगह मिस हुआ था, जब हमने एनालिसिस करके बताया था आज से 3 मंथ पहले, तो क्या मिस हुआ, हमने बताया था यहाँ 65 से 75 UR के लिए, गया है 77, यानी 2 नंबर में मिस कर गया इलाहाबाद के टर्म में। हमने ये पूरा RRB का बोला था, इलाहाबाद में 2 नंबर का मिस कर गया, वो दिखाते चले साथ के साथ तो समझ में आएगा आपको। एक मिनट, यहाँ पे कटअप जो ऑफिशियल आया है इलाहाबाद का, तो 77.63 है UR के लिए, SC के लिए 61 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हमने बताया था, 60 से लेके 67 जाएगा, बिल्कुल उसी रेंज में इलाहाबाद है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया था आपको ST के लिए 56 से 65, यहाँ पे देख सकते हैं आप 56 से 65, और यहाँ पे देखिए 56 से 65 में क्या आया है, तो आया हुआ है यहाँ पे 60, बिल्कुल बीच बीच में रेंज में है। OBC का 69 आया है और एक्चुअल में RRB का, और यहाँ पे हमने बोला था 63 से 71, तो बिल्कुल उसी रेंज में 69 है। एक EWS में हमने 61 से 65 बोला था, यहाँ आया है 65 से ज़्यादा, कितना आया है, तो यहाँ 65 से ज़्यादा आया है 67, यानी हमने दो जगह मिस किया, 2 नंबर यहाँ का और 2 नंबर यहाँ का। बाकी जो मैंने एक्सपेक्टेड लिया था वो बिल्कुल वैसे ही सेम रहा, ज़्यादा इशू नहीं रहा। एक मिनट मैं इसको कर लूँ ऐसे, तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल सेम रहा है इलाहाबाद का, जो मैंने एक्सपेक्टेड किया है। तो ये तो बात हो गई CBAT का, जो पब्लिक में रिजल्ट है इसके बारे में क्या बात करेंगे। अब बात करना है हमें इलाहाबाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाएंगे सबके लिए। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या हुआ था, टाइपिंग स्किल टेस्ट का पेपर हो चुका है, लेवल 5 का भी और 2 का भी, 3 में कोई टाइपिंग नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने रेंज पूरे RRB के लिए बनाया है, तो टाइपिंग टेस्ट किसके किसके लिए है ये पहले ध्यान से देखिएगा। लेवल 5 में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, जिसकी वैकेंसी भी करीब करीब हटा दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 का हो या लेवल 2 का हो, जिसमें लेवल 2 में असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, सभी का एक ही कटअप आएगा। लेवल कहीं से आए हो,
कॉमन कटअप आएगा, और कॉमन इसलिए कटअप आएगा कि यहाँ दिखेगा कटअप अलग, यहाँ दिखेगा कटअप अलग, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लोग कहेंगे कि अलग दिखेगा, तो लेवल फाइव का जो कटअप आएगा बिल्कुल अलग आएगा, और लेवल टू का जो कटअप आएगा अलग आएगा, लेकिन जो कैंडिडेट दोनों में होंगे एक ही कटअप से काम चलेगा, उनका एक ही में शो होगा, और वो दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबल होंगे, जो आठ गुना कैंडिडेट को जाना है। तो इसके लिए देखिए मैंने कटअप बनाया था, उसके हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा कि जब कटअप बनाया था तो मुझे पता नहीं था क्या कंडीशन है, हमने केवल एनालिसिस पे बनाया था, लेकिन आप आरआरबी इलाहाबाद को देखेंगे तो यहाँ पे हायर साइड में कटअप गया है सभी कम्युनिटी का। दूसरे आरआरबी की तुलना करेंगे तो पटना और रांची और दो तीन आरआरबी और छोड़ दीजिए, उसमें ये क्या है हायर साइड कटअप गया है, किसका, इलाहाबाद का। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेम फॉलो यहाँ भी होगा आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट में। और टाइपिंग स्किल टेस्ट में मैं लेवल सिक्स से बता दूँ, जो लेवल टू की पेपर है और लेवल फाइव की पेपर है, फाइव तो लगभग वैसा ही था, टू वाला पेपर कुछ स्मॉल इजी है, जिसमें जीके का पेपर थोड़ा अटैम्प्ट ज़्यादा हो रहा है, दो से पाँच नंबर, तो इसका भी एक दो तीन नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है कैंडिडेट का। और दूसरा एनालिसिस ये है कि आप जान ही रहे हैं कि लेवल सिक्स में केवल 20 ही गुना कैंडिडेट थे, यहाँ पे लेवल टू और लेवल फाइव में करेंगे तो 30 से लेके 80 गुना तक कैंडिडेट हैं, इसका भी इफेक्ट रहेगा। तो ये इफेक्ट को तो मैंने पहले ही यहाँ न्यूट्रलाइज कर लिया था, जब मैंने बोला था कि स्टेशन मास्टर की कटअप जब 65 आएगी किसके लिए, 65 से 75 आएगी किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे ये बढ़ा लिया था, चार नंबर पाँच नंबर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बढ़ा लिया था, किसमें, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट यानी टाइपिंग वाले पोस्ट का। तो टाइपिंग वाले पोस्ट में अगर जाएंगे आप इलाहाबाद में तो ये कटअप हायर साइड आपको मिलेगा। अब हायर साइड मान लीजिएगा इसको, रेंज में भी यहाँ पे नीचे 70 से मैंने 79 बोला है, तो अब आज के डेट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर 75 से कह दिया जाए 80-81 के समथिंग में आपका साइको टेस्ट का यूआर में, साइको टेस्ट नहीं टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कॉल आ जाना चाहिए। वो सभी लेवल का है, हो सकता है लेवल फाइव में थोड़ा कम हो तो लेवल टू में एडजस्ट हो, तो सबको मिला के मेंटेन हो जाएगा 75 से 81 के बीच में यूआर का, लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा है एसी कैंडिडेट, 65 से 72 मैंने पहले बोला था जब एग्ज़ाम में सभी आरआरबी का, तो इसका ऊपर में थोड़ा ये ले लेंगे 68 से 73 या 75 नंबर तक समथिंग में ये कटअप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहीं पे, हो सकता है 68 पे भी हो 70 पे भी हो, लेकिन हमने ऊपर साइड में 75 इसलिए रखा है कि दो तीन नंबर पेपर का बेनिफिट मिला है, लेवल में थोड़ा लग रहा है कि पेपर का अंतर है। उसके बाद अगर एसटी में बात करेंगे तो ये कटअप आपका 70 तक आपका आ रहा है, नीचे 65 भी मान सकते हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट है, आपको टीएसटी के लिए कॉल आ जाएगी। उसके बाद अगला आपका ओबीसी में बात करेंगे तो ओबीसी में आपका 70 से 75, ये 67 से 75 था लेकिन इलाहाबाद में ऊपर है, तो यहाँ पे 70 से 75 76 में आपका नंबर आ जाएगा, इसमें लेवल फाइव वाले में। लेवल टू वाला का कटअप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसमें बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा है, उसको मैंने पहले से ही रख रखा है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 62 से 70 है, यहाँ पे 65 से 70 71 72 तक आपका आ जाना चाहिए लेवल फाइव वाला कटअप में आपका नाम। अब उसके बाद लेवल टू वाले में बात करेंगे, लेवल टू वाला में जो हमने जहाँ पे सब में 2 से 3 या 4 नंबर ऑलरेडी बढ़ा रखा था, किस लिए, देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक मिनट, यहाँ पे अब अगर देखिए मैंने बोला था 70 से 79 जाएगा, तो यहाँ पे हमने 73 से 82 क्यों लिया था, मुझे पता है यहाँ पे कैंडिडेट लेवल टू में ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे CBT1 में, तो यहाँ पे बढ़ना तो बढ़ना ही है, और इसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है तो कटअप दो तीन नंबर बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से अगर कह सकते हैं ओवरव्यू एक लाइन में बोल दिया जाए कि अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 80 के समथिंग है तो टीएसटी आपके लिए वेट कर रहा है। एसी में अगर कहें आपके आसपास रेंज में अगर 75 तो नहीं कह सकते, 70 से 72 के बीच में है तो एसी में, एसटी में इससे दो तीन नंबर और कम, ईडब्ल्यूएस में आपका 80 से दो तीन नंबर ही, ज़्यादा कम नहीं हो सकता, दो तीन नंबर कम होगा इससे, तो यानी 78 नंबर के आसपास है तो आपका ईडब्ल्यूएस में भी आ जाएगा और ओबीसी में भी यही आ जाएगा। तो ये डिटेल रहा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। अब फाइनल की बात करते हैं, फाइनल सिलेक्शन
किसी भी पोस्ट का। मैं बता दूं टाइपिंग स्किल टेस्ट का कोई नंबर जुटना नहीं है, ये क्वालिफाई है। आपको हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट शायद यही होना चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट ऐसा अगर टाइप कर लेते हैं आप तो आपको आगे के लिए क्वालिफाई करा दिया जाएगा और इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप 50 वर्ड टाइप कर लीजिए या 60 वर्ड पर मिनट टाइप कर लीजिए, कोई वर्ड नहीं मिलने वाला, यानी आपका जो CBT 2 का स्कोर है वही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे CBT 2 का स्कोर अगर बढ़ता है तो टाइपिंग टेस्ट वाले में आप हर पोस्ट में, जैसे मैंने यहाँ बोला 83 से 82, 5 से 8 नंबर आप हमेशा यहाँ जोड़ लेंगे, आपका नंबर अगर ये दोनों जुड़ के बन जाएगा यानी 90 तक अगर UR में आता है, उससे नीचे भी 85 भी रेंज मान लीजिए 85 से 90, तो RRB इलाहाबाद में आपका जॉब मिल सकता है। और वेट कीजिए फाइनल का। तो यहाँ पे UR के लिए ये हो गया, फाइनल के लिए जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं सारे की बात कर रहा हूँ। लेवल 2 की थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लेवल 5 का थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हमने रेंज ले लिया है 65 से 90 के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर कैटेगरी में बात करें AC में, तो यहाँ पे अगर आपका नंबर 75 से 85 के बीच में है, किसके लिए, दोनों के लिए, लेवल 5 और लेवल 2 के लिए, तो आपका एक सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद ST में बात करेंगे तो ST में इससे ये वाला में भी 2-3 नंबर और कम कर लीजिए। 70 से यहाँ पे अगर रेंज रखते हैं तो 82-81 तक ये आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हर पोस्ट की अलग अलग कटअप आएगी। किसी में सीनियर टाइम कीपर, जैसा कि मैं बता दूं सीनियर टाइम कीपर की अगर वैकेंसी में देखने जाएं तो सीनियर टाइम कीपर की वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे देखेंगे सीनियर टाइम कीपर, यहाँ पे अगर एक बार निकाल लीजिए तो इसका कटअप तो ऊपर जाएगा ही। एक मिनट मैं एक बार निकाल लूँ, यहाँ पे तो है भी नहीं वैकेंसी, जूनियर टाइम कीपर का होगा केवल। एक मिनट, टाइम कीपर काम टीपर टाइपिंग सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ तो टाइम कीपर का इलाहाबाद में है भी नहीं। एक मिनट, यहाँ पोस्ट ही नहीं है, तो पोस्ट नहीं है तो यहाँ तो कटअप उसका आएगा ही नहीं, यानी यहाँ पे टाइम कीपर नहीं है तो उसका पोस्ट का नहीं आएगा। जिसकी वैकेंसी है, हमने जो कटअप बनाया है कॉमन 21 RRB का बताया था, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। उसी तरह से अगर और भी कई सारे पोस्ट हैं जैसे कम है, एक मिनट देखिए, 3 चीज़ है। अगर 2 ही नंबर में बात करिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में 3 पोस्ट हैं। 10 कलर का टाइपिंग टेस्ट नहीं है, अकाउंट कम का टाइपिंग टेस्ट है और आपका जूनियर कलर कम टाइपिंग टेस्ट है। तो एक में देखिए NCR में ऊपर वाले कैटेगरी नंबर 10 में आप देखिए मात्र 13 और 4 और 3-5 वैकेंसी है, इसका कटअप तो ज़्यादा जाएगा ही। लेकिन नीचे वाला में आप देखिए 101 और 111 ऐसे कर करके ये वैकेंसी करीब करीब 350 प्लस है, 500 प्लस वैकेंसी है। तो 128 है और 500 है, सबका कटअप अलग अलग बनेगा, तो इसका ऊपर जा सकता है, 90 प्लस में जाएगा। और इसका नीचे वाला में अगर कह दे तो इसका 85 से 90 में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हालांकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे वो आपका कैटेगरी नंबर 10 भी सेलेक्ट किए होंगे, 11 भी किए होंगे, तो ऊपर वाला में नहीं होगा तो नीचे में वाला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने रेंज को इस तरीके से रखा था कि आपको दोनों का हो जाए। अब एक सबसे बड़ा सवाल था लोगों का, कॉमर्शियल अप्रेंटिस। देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस ऐसा बिग गेम है कि एक्सपेक्टेड करना बहुत मुश्किल है, यानी कह दें कि NTPC सबसे अच्छा जॉब है, तो NTCP में सुपर जॉब अगर कोई माना जाता है तो सुपर जॉब है कॉमर्शियल अप्रेंटिस। मेडिकल भी अच्छा है, मेडिकल नीचे की कैटेगरी क्या होता है, कैंडिडेट जॉब भी अपना रॉयलिटी का चाहते हैं और इसकी पोस्ट भी कम होती है, तो यानी सुपर जॉब का कटअप एक्सपेक्टेड नहीं होता। फिर भी मैंने एक्सपेक्टेड किया था जब उस समय, तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद में अगर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्टों की देखेंगे तो यहाँ पे 2 अलग अलग है, एक NCR में 4 वैकेंसी है, इसका कटअप तो 90 प्लस वाला में जाएगा ही, 92-94 तक भी हो सकता है ऐसा जाएगा। लेकिन जब नीचे वाले की बात कीजिएगा तो ये 24 और इतना पोस्ट है, इसका कटअप भी एकदम बिल्कुल 88 से 92 के आसपास समथिंग ऐसे ऐसे जा सकता है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है कि जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ये पोस्ट मिल जाए, और ये पोस्ट जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए सबकी च्वाइस में ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, जो जानते हैं इस पोस्ट की अहमियत। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेशन मास्टर का हमने साइको का टेस्ट तो हमने कटअप देख लिया था, यहीं से देख लेते हैं। साइको का कटअप हमने ऑफिशियल देख लिया था, इस पे ले लेते हैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे साइको का टेस्ट हमने कटअप देख लिया था। लेकिन हमने सब जगह आपको बोला है कि यहाँ इलाहाबाद अपर साइड में कटअप है,
और जहाँ अपर साइड में कटअप होता है वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन सभी कैटेगरी में 5 से 8 नंबर आप जोड़ लीजिएगा। 5 तो मिनिमम है, 8 लगभग मैक्सिमम के आसपास है। अगर मान लीजिए जैसे यूआर के लिए यहाँ 77 है, तो 5 यहाँ पे और जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 82, 83, 84 नंबर तक आपका एक नंबर आ सकता है। उसी तरह 61 SC का है तो 61 और 5, 6, 8 जोड़ लेंगे। ये डिपेंड करता है CBAT कैसा आएगा और CBAT में लोगों का नंबर कितना बढ़ेगा, वो भी अंतर पड़ेगा। उसके बाद ST में बात करेंगे तो यहाँ पे तो 70-72 तक आपका हो जाना चाहिए आपकी फाइनल होने के बाद। OBC में बात करेंगे 69.15 है, EWS में 67 है, तो ये सब 70-75 या 75 के रेंज में आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटअप ऑलरेडी बढ़ चुका है तो कैंडिडेट का घनत्व ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी 5 से 8 नंबर जरूर बढ़ेंगे मिनिमम। मैक्सिमम का देखिए, कई सारे गंजों पे अनहोनी होती है, वहाँ पे अलग हो जाती है कंडीशन। अब बनता है टाइपिंग स्किल वाला टेस्ट का, हमने फाइनल कर लिया। अब बनता है वुड गार्ड्स, जो एकलौता मैक्सिमम पोस्ट वाला वैकेंसी है। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड मैंने जो किया था 79 से 88 मुझे दिख रहा है। अभी भी इसमें इलाहाबाद में कोई चेंज नहीं होगा, यही कटअप रहेगा और या इससे कम भी हो सकता है। ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम हो सकता है इससे, ज़्यादा नहीं। 71 से 78 AC के लिए, ST के लिए 69 से 76, OBC में अगर बात करेंगे 76 से 85 और 73 से 84। मुझे तो लग रहा है गुड गार्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका CBT2 का जो स्कोर लॉक हो चुका है और जो साइको का स्कोर है उससे थोड़ा सा ऊपर करके अगर देखें 10-12 नंबर यही इसका फाइनल बन जाएगा। और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इतना ही पे आपको 10-12 नंबर ऊपर इससे आपकी गुड गार्ड्स की फाइनल बन जाएगी। सेशन मास्टर बात कर लिया हमने, गुड गार्ड बात कर लिया, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात कर लिया, टाइपिंग स्किल वाले टेस्ट की फाइनल बात कर लिया, टाइपिंग स्किल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लिया। कुछ पोस्ट लेवल 3 में जाते हैं जो कॉमर्शियल वाले हैं, ये भी तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जितनी डिमांड इसकी है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की लेवल 6 में, उसी तरह लेवल 3 लेवल 2 से ऊपर वाला पोस्ट है, और इस वाले पोस्ट में भी अच्छा खासा डिमांड होती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का अच्छा खासा डिमांड होता है और इसकी पोस्टें भी ठीक ठाक ज़्यादा नहीं है। अगर देखें इलाहाबाद में लेवल 3 की वैकेंसी के टर्म में, तो एक मिनट लेवल 3 में अगर आइएगा तो लेवल 3 में यहाँ पर देखिए वैकेंसी इनकी पूरी मिला के कितनी है, एक मिनट, यहाँ NCR और NR दोनों मिला के टोटल मान लीजिए 300 के आसपास है, 300 से कम ही है, तो यानी 275 या आसपास वैकेंसी है, तो 275 के लिए कैंडिडेट अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो इसका कटअप लेवल 2 वाले कटअप से 2+ ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा सब कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर देखें तो उसको मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ों को एनालिसिस करके यहाँ डाला था। जैसे अगर मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये कटअप आपकी फाइनल हो रही है 83 से 93 के बीच में, इनके जिनके साइको टेस्ट है 83 से 93 के बीच में, वही कटअप कॉमर्शियल वाला का 88 से 95 तक हो सकता है, और वही आपका AC में 78 से 86, 77 से 83 आपका ST में, OBC का 85 से 93 और 81 से 89 तक कॉमर्शियल टिकट वाले को हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, एक ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, ये हमेशा ऐसा पोस्ट है जिसको फर्स्ट नंबर कॉमर्शियल अप्रेंटिस, दूसरे के बाद में अगर कहें तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेकिन लेवल 2 में जो पोस्ट अगर हैं उनमें से चारों में से किसी को सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो वो सेलेक्ट करेंगे ट्रेन क्लर्क को, क्योंकि ट्रेन क्लर्क की जॉब अच्छी है। तो इसकी भी कटअप आपका मान के यही वाला आसपास में 1-2 नंबर आगे पीछे रह सकता है, जिसमें हमने 89 से 90, 87 से 89, 78 से इतना करके मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और ये जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा सारा डिटेल। अब कुछ लोगों को अभी भी सवाल आएगा कि क्या बाकी RRB ऐसे ही पैटर्न रहेगा, तो देखिए बाकी RRB में भी CBT1, देखिए CBT1 में तो कैंडिडेट का लिमिट नहीं होता, हो सकता है CBT1 में किसी कैंडिडेट 1000 भर दिए हों, किसी में 10000 हो और किसी में 5-600 हो, क्योंकि CBT1 में पता नहीं, RRB में कैंडिडेट का कंट्रोल किसी का नहीं था, लेकिन CBT2 में जब एग्ज़ाम में आ गए तो पता है कि सब में 20 गुना
सिक्स के लिए और उसी तरह नीचे के पोस्टों में बढ़ते हुए क्रम में है। यानी हर कैटेगरी में, हर कम्युनिटी में, हर पोस्ट में कैंडिडेटों की संख्या लिमिट हो गई है। तो जो नंबर आपको सीबीटी वन में बढ़ गया है उसी के हिसाब से सीबीटी टू में बढ़ेगा। बाकी देखते हैं लोगों का कैसा डिमांड आता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि और आरआरबी को इसी में कवर कर दिया जाए इसी से। बाकी मैं तो चाहूँगा कि हर आरआरबी के बनाने से अच्छा है कि इस वाले टॉपिक को आप फॉलो कीजिए। और बहुत सारे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा। और एक चीज़ और फाइनल रिक्वेस्ट, मैंने कई सारे चीज़ों से मैं देख रहा हूँ, देखिए सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए आपकी इच्छा है, मैं इसको आपकी आज़ादी से छोड़ देता हूँ, आपकी आज़ादी है क्या करना है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का वीडियो हमारे चैनल पे बहुत नेगलिजिबल है और उसका रिस्पांस हमारे न्यू वीडियो पे पड़ता है कि नोटिफिकेशन से अगर कोई नहीं देखता तो उसकी केवल 9 पॉइंट के आसपास 9% हमारे केवल सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं। ये थोड़ा सा बैड इम्पेक्ट जाता है, हम सब्सक्राइबर से बोल रहे हैं, बाकी आपको नहीं सब्सक्राइब करना है तो आपकी आज़ादी पे आप छोड़ देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।